Thank you very much. Vikram J. Singh Sani. Respected Chairman, sir, thank you for this opportunity to speak on the motion of thanks to the President address. I would request you, after a lapse of one and a half years, this is, I am able to speak, give my maiden speech only today. So please correct the time and add 10, 10 minutes. And or I hope you will be considerate. You have 15 minutes anyway. No, 15 minutes. Four minutes you have given to Northeast. As he, okay, okay, you continue your speech. Honourable ma'am, President, have laid down the key achievements of the government in the past year and also laid down some of the steps. I rise to appreciate some of the important things and make a note of few observations and things that this government can do or let me say together we can do to that matter to the populace or common man of this country sir the president address said that our inflation was over 8% in the 10 years before 2014 and now it is 5% i really appreciate that india have considerably done a decent job in balancing the inflationary pressure with huge social spending despite the covid pandemic russian ukraine war and other disruptions however we must acknowledge and learn that if we compare india with the world economies we will find that india has always a very high inflation than rest of the world especially i'm laying the data with respect to european union i would like to mention दैट हाउस होल्ड इसेंशियल कमोडिटीज है विटनेस्ड रिकॉर्ड प्राइस इन लास्ट सेवन एट ईयर्स टुडे मॉर्निंग आई डिड समर्वे कुछ ग्रहणियों से हमने ये दाल आटा चावल सब ये एडिबल ऑयल के प्राइस लिए आई एम लेंग ऑन द हाउस ऑफ द टेबल इसके हिसाब से अब वनस्पति ऑयल एक सौ अठारह प्रतिशत बढ़ गया मस्टर्ड ऑयल समझ नहीं आ रहा सरसों का तेल नाइन्टी टू परसेंट आटा 43 परसेंट ग्राम दाल उड़द दाल 60 परसेंट मिल्क जैसे मेरे और कोलीग्स ने कहा और मीन वाइल द आयरनी इज दैट द फार्मर्स हु प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स देयर इनकम डिड नॉट इंक्रीज इवन हाफ ऑफ दिस प्राइस ऑल्सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल हैव गॉन एग्जॉबिटेंटली हाई और अब जैसे अभी बताया गया कि इंटरनेशनल प्राइस वी हैव एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्लॉज तो प्राइस जब ऊपर जाती है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती है कंज्यूमर को अब कम हो गई है तो वो बेनिफिट ऑयल कंपनीज ही ले रही है वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा जब इट शुड बी एस्केलेशन डी और दूसरा नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने भी यही रिपोर्ट किया कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.53 परसेंट दिसंबर में रही एंड इट ह्यूज हाइक देन द प्रीवियस सर वी शुड नीड टन सममानेंट सोल्यूशंस विच एक्ट एज ए शील्ड फॉर द इंडियन इकोनमी फ्राम ग्लोबल अनसर्टेड अब पावर्टी की बात करते हैं अब आई एल ओ ने एक डिक्लेरेशन दिया कि पावर्टी एनी वेयर इज़ ए थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर अब बहुत अच्छी बात है पच्चीस करोड़ राष्ट्रपति महम राष्ट्रपति जी ने कहा पच्चीस करोड़ पावर्टी से ऊपर आ गए अभी दोपहर को ही मैं सुन रहा था हमारे कुलीग शिवाजी कह रहे थे कि इसकी एंड आई होप ही वॉज राइट कि इसकी जो थ्रेश होल्ड है वो ट्वेंटी सेवन रुपीज़ पर डे की इनकम होनी चाहिए गांव में और तैतीस रुपये की पर डे इनकम होनी चाहिए शहर में तो आप पावर्टी लाइन के नीचे हैं या ऊपर हैं अब आप भी सोच लीजिए सत्ताईस रुपये और तैंतीस रुपये ये थ्रेश होल्ड भी मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कहूँगा कि भाई लेट्स ऑनेस्ट टू लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्स इसको ठीक किया जाए और इसमें एक और डाटा आया है जो ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है एम उसके हिसाब से अराउंड 415 मिलियन पीपल एग्जिटेड पॉवर्टी विद इन स्पेन ऑफ 15 ईयर्स 2005 से 2021 तो कुछ पॉवर्टी की एलिवेशन हुआ है लेकिन फिर भी हम अस्सी करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं और ये अभी भी बात कही जा रही थी कि कोई सेंसिस नहीं हुआ और 2011 से गवर्नमेंट हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट्स पॉवर्टी फिगर्स एक एन जो स्टेटिस्टिकल विंग है उसने 2017 18 में एक अपना स्टैटिस्टिकल का रिपोर्ट बनाया था पर वो पब्लिश नहीं किया गया और ग्लोबल हंडर इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सारी दुनिया में इंडिया का रैंक 111 है 125 में तो हमें अभी बहुत सफ़र तय करना है वी हैव टू ट्रैवल ए लॉट और पर कैपिटा इनकम मैं पढ़ रहा था कल ही कि पता नहीं बांग्लादेश भूटान और मालदीव से भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है ये छोटे देश हैं ज़्यादा अमीर भी नहीं है डेवलपिंग समझ लीजिए पर हमारी पर कैपिटा इनकम ये जो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनसे भी कम है तो कहीं ना कहीं हमें ये इन को ख़त्म करना है अब एक और रिपोर्ट यूके की आई ऑक्सफैम की और 10 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 72 परसेंट इंडिया की वेल्थ को ओन करता है तो बहुत अन है और ये भी एक आंकड़ा है कि वेल्थ ऑफ 16 पीपल इन इंडिया इज़ इक्वल टू वेल्थ ऑफ़ सिक्सटी करोड़ पीपल विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन तो हमें ये कहीं ना कहीं जो अमीर और गरीब में खाई बढ़ती जा रही है इसको कहीं ना कहीं कम करना होगा ऐसा लग रहा है कि वो जो खरगोश और टॉट वाइज कछुए की कहानी थी कि अमीर शायद खरगोश की तरह आगे बढ़ रहे हैं अच्छी बात है लेकिन गरीबों को भी उसी हिसाब से ही बढ़ना चाहिए और उनका स्तर ऊपर होना चाहिए अब इंडस्ट्री की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा इन शॉर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ द साउंडेस्ट रेमेडी ऑफ ऑल द यू नो प्रॉब्लम्स ऑफ इवन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया अब प्रेसिडेंट के एड्रेस में स्टार्टअप्स की मोबाइल मैनुफैक्चरिंग की एम एस एम ईज प्रोडक्टिविटी लिंक जो इंसेंटिव स्कीम की बात कही गई विच इज़ वेरी गुड पी एल आई और खुशी की बात है कि मोबाइल फ़ोन्स पे भी राजीव चंद्रशेखर जी बैठे हैं हमारे दोस्त आईटी में उनकी ड्यूटी कंपोनेंट्स की कम कही गई अब आपको पता है कि कोविड में सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स को लेके हमारी प्रोडक्शन ने कितना सफ़र किया ऑटोमोबाइल में आईटी में और बहुत सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ ताइवान चाइना यू से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1980 से ही बढ़ा है पर अभी अक्टूबर 2023 में अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो इंडियाज़ हैड ए हाइएस्ट ट्रेड डेफिसिट इट हिट ए रिकॉर्ड ऑफ 32 बिलियन डॉलर्स। तो उसके लिए भी हमें निरंतर काम करना होगा और इंडस्ट्री को लेके मैं समझता हूँ कि सरकार को जो लैंड सूबे हैं बॉर्डर स्टेट हैं पंजाब जैसे उसमें कोई प्रोजेक्ट बठिंडा रिफाइनरी का 15 साल पहले या 12 साल पहले आया था पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क was not granted to Punjab even on alternative location. Similarly, industries like software parks, semiconductor hubs have not been given to Punjab despite Punjab having these capabilities. G20 की बात की गई बहुत भारत की छवि उससे बड़ी। बहुत हमने खर्च भी किया, 400 कुछ करोड़। लेकिन जैसे मेरे अदर कुलीग्स कह रहे थे, we have to see actual deliverables to the benefit of India. एफ ठीक है इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की प्रधानमंत्री जी ने पर मैं समझता हूँ कि हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं हम अभी क्वेड के भी मेंबर हैं हम आसियान के साथ भी कर रहे हैं हमें सी कंट्री में स्पाइस रूट सिल्क रूट भी रिवाइव करना है तो कहीं ना कहीं यूरोप तो खुद ही अभी रिसेशन में है तो अच्छी बात है लेकिन हमें दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोरस भी खोलने पड़ेंगे आपका ध्यान में एग्रीकल्चर और फूड पे आता हूँ और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से बड़ा वख्यात इंसान नहीं शख्सियत हो सकती तो उन्होंने कहा था इफ़ एग्रीकल्चर गोज़ रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव ए चांस टू गो राइट अब एग्रीकल्चर 46 परसेंट हमारे जो भाई हैं वो एग्रीकल्चर पे इट्स एग्रेरियन इकॉनमी लेकिन अब जो बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर का है वो कम होता जा रहा है अब पंजाब की बात करें तो जो एम जिसमें पंजाब बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है फूड का फूड सिक्योरिटी का अब वो जो एम की कमेटी में और सी की कमेटी में पंजाब से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो भी मैं आग्रह करूंगा कि उसमें उनको लेना चाहिए और एम एस पी वीट राइस में ही मिलती है साहब अब कॉर्न पे भी बाकी जो एम एस पी वो पेपर पे है अब मक्का का देख लीजिए एम एस पी दो हज़ार नब्बे रुपये है पर मंडी में मक्का कॉर्न जो सात सौ से हज़ार रुपए में बिक रहे हैं। और हम क्रॉप रोटेशन कैसे फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन हमें करानी पड़ेगी कि वो कब तक राइस वीट अब मिलट्स का ज़माना है पार्लियामेंट में बहुत सराहनीय स्टेप है लेकिन फार्मर्स को भी हमें अवगत कराना पड़ेगा मिलिट्स की तरफ क्रॉप रोटेशन की तरफ पी किसान स्कीम जो छः हज़ार रुपया एनुअल देती है उसमें पता नहीं कि पहले 11.84 पॉइंट एट फोर करोड़ बेनिफिशरी थे जो साइट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की अब उसमें बड़े चंबे से जो उसकी फिगर है वो थ्री पॉइंट एट सेवन करोड़ रह गई है तो इस पर भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि ये जो पी किसान स्कीम में आप तो खुद किसान हैं और बड़े अच्छे समय आप सदार्त करने आए हैं सब मैं कह रहा था पी एम की... किसान नहीं किसान पुत्र हूँ हाँ किसान पुत्र हैं किसान दाता हैं कुछ भी हमारे अन्नदाता हैं आपकी मर्जी पे हम हैं डेढ़ साल बाद एमपी बनने के बाद आज हम आपने मौका दिया मेडन स्पीच का बहुत शुक्रिया मैं कह रहा था सर इलेवन पहले ये छः हजार रुपया इलेवन पॉइंट एट फोर करोड़ किसानों को मिलता था ये अब थ्री पॉइंट एट सेवन को मिलता है तो इसको हमें देख के इन्वेस्टिगेट करके तोमर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ठीक किया जाए सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स अब 30 प्रतिशत अक्टूबर दिसंबर में कम हुई और आगे भी जाते हुए कम हो रही है तो मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेड सी कॉन्फ्लिक्ट है फ्रेट <hippe> बहुत बढ़ रहे हैं तो ये सब्सिडी हम कम ना की जाए और आपने कहा आप किसान पुत्र हैं आपको पता ही होगा आप मेरे से ज़्यादा गुणवान हैं नॉलेजेबल हैं कि 145 किसान रोज एक पर डे मैं भी चौक गया 145 किसान मजदूर भारत में एक दिन में 145 किसान सुइसाइड करते हैं आत्महत्या की चिता पर देख मुल्क के किसान को नींद कैसे आ सकती है हम देश के इंसान को ये डाटा है हमें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमें मिल काम करना है मैं कोई ये सभी की जिम्मेवारी है ये इस प्रेसिडेंट एड्रेस में भी मैं बोलूंगा कि कोई भी बात कही जाती है उसको क्रिटिसिज्म नहीं पॉजिटिव में मैं कह रहा हूं हमें मिल ये देश बनाना है कभी तो यहाँ संवाद होना चाहिए अब हेल्थ की बात करें तो विंस्टर चर्चल साहब ने कहा हेल्दी पॉपुलेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट एनी नेशन कैन हैव अब आयुष्मान भारत बहुत अच्छी स्कीम है पहले भी बात हुई कई मेरे कोलीग्स ने कहा डेटा में डेड लोगों को भी मिल रहा है अब 9.85 पॉइंट जो रिपोर्ट आई है उसमें आयुष्मान भारत बेनिफिशरीज वर लिंक सेम मोबाइल नंबर पे 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं तो ये आरटीआई में त्रुटियां हैं आरटीआई के के हिसाब से 15 लाख बेनिफिशरी हैं पार्लियामेंट में एक 1.63 करोड़ है तो कहीं ना कहीं वी हैव टू सिंक्राइज डाटा लेकिन मेन बात आयुष्मान भारत स्कीम में कोविड जैसे ये बीमारियाँ कवर नहीं हैं तो वो लोगों को बहुत आउट ऑफ पॉकेट उस पर देना पड़ा और प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें तीन प्रतिशत ही आ रहे हैं एजुकेशन की बात करते हैं <coughs> हमने एम्स आई आईएम्स बनाए प्राइमरी एजुकेशन की सर देश में हालात ठीक नहीं हैं कि अभी आपने आपने भी पढ़ा होगा दस दिन पहले एक इंग्लिश डेली में ए की रिपोर्ट ने बताया कि 14 से 18 साल की आयु में जो बच्चे थे 25 प्रतिशत सेकेंड लेवल में अपनी रीजनल लैंग्वेज का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाए 43.3 परसेंट चौदह से 18 साल में ही मैथ्स सेकेंड क्लास का नहीं कर पाए तो हमें रूरल एजुकेशन में जो क्योंकि वहीं से हमारी नींव बनती हम भी थप्पड़ वाले स्कूल में पढ़े लेकिन मेहनत उसमें हमें रूरल हर सूबे को चाहिए और एजुकेशन के लिए चाहिए और एक हमारा जो एजुकेशन आउटले है वो भी कम है 2.9 परसेंट है भूटान में आठ प्रतिशत है ब्राज़ील चलो बहुत बड़ा मुल्क फिर वहाँ भी छः है मालदीव्स में फोर पॉइंट मोरिशियस में तो हमें इसको कहीं ना कहीं फ़ाइव टेन परसेंट लाना होगा और जो शिक्षा पे मिनिमम दस प्रतिशत खर्च करना चाहिए मेरी मेडन स्पीच है तो आप कंसिडरेट करेंगे मैं पाँच सात मिनट में कंक्लूड करता हूँ लेबर और स्किलिंग में ये राजीव चंद्रशेखर जी बैठे हैं स्किलिंग के ये इंचार्ज हैं आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब दिक्कत <laughs> ये है इतने लाख करोड़ क्योंकि एक तो यहाँ फीगर भी लाखों करोड़ों में ही चलती है बहुत अच्छी बात है लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी चाहिए अब जो है ये पी एम के वाई और पी एम के के ये सब स्कीम्स हैं एन एस डी सी का मैं भी बोर्ड मेंबर रहा सात साल इनके सौजन्य से लेकिन सब प्रॉब्लम क्या है कि स्किल करना एक अलग बात है अब प्रेसिडेंट साहब के और उनके एड्रेस में लिखा है इतने हज़ार कितने स्किल हो गए जॉब लायक बना दिए जॉब लायक नहीं ना जॉब्स उनको नौकरी चाहिए नौकरी हमें हम सबकी जिम्मेवारी है हमें उनको नौकरी देनी पड़ेगी मैं भी खुद एन चलाता हूँ हमने पाँच यूथ को पिछले दो सालों में नौकरी दी बीस रूरल सेंटर्स में हमने एम्पावर किया तो एक अभी जो उनतीस पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ इंडियाज यूथ इज़ अनएम्प्लॉयड ये डाटा है और हमारे पास स्किल लेबर फोर पॉइंट सिक्स नाइन है दुनिया में आपको पता है पचास सिक्सटी एट अब ये स्किल इंडिया मिशन का बजट भी कम हो रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ही दरख्वास्त करेंगे कि स्किल के इनके मिनिस्ट्री के धर्मेंद्र प्रधान जी और include. हाँ जी और स्टेट ऑफ पंजाब में मिनिस्ट्री हैव रिड्यूस द फंड एलोकेशन जस्ट बाय 92 परसेंट ज़्यादा नहीं 92 प्रतिशत कट गया है और ये सारे इसके जॉब्स की तरफ मैं आपका ध्यान लगाता हूँ इंटरप्र्योरश हाँ जी एनर्जी Energy... नहीं नहीं सर यहाँ आप जब नहीं थे नॉर्थ ईस्ट को चार मिनट पाँच मिनट दिए गए मैं तो पंजाब से हूँ और मेडन है मेरे को फाइव मिनट्स दीजिए सर मेडन स्पीच अब बोलने ने, ने। तो दीजिए मैं तो सुझाव ही दे रहा हूँ एनर्जी में अब एक और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है डिजिटलाइजेशन आ रही है उससे राजीव चंद्रशेखर जी जॉब्स और जाएंगी तो हम लोगों को कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना है क्योंकि मैकेनाइजेशन से वो मजदूर और कम होंगे एनर्जी में राष्ट्रपति महमा जी मैडम ने क्लीन एनर्जी सोलर कैपेसिटी पावर ग्रिड उज्जवला इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही बढ़िया 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 बात की हम डॉक्टर हम ग्लास भी गए हम सोलर अलायंस में भी गए सारा वो किया प्लीज कंक्लूड e, e, हाँ जी एथेनॉल जो एनर्जी में प्लीज कंक्लूड सर सर फेयर ना ना मेरी मेडन स्पीच मेरे को बोलने तो दीजिए नहीं तो एक-एक मिनट मैं नहीं बोलता बैठ जाता हूँ हमारा टाइम था अच्छा चलो दो यो, तीन यो, मिनट दे दीजिए वाई टू वेस्ट टाइम मैं कंक्लूड कर प्लीज आई हाई रे ग्ड सब दो मिनट दो मिनट प्लीज क्योंकि हर एक दस सेकेंड में आप कहेंगे तो सर मैं एथनॉल शुगर केन और राइस से बनता है और वाटर इंटेंसिव है तो हमें देखना होगा अब क्रॉप रेजिड्यूस स्टबल कैन बी कन्वर्टेड इंटू फ्यूल फॉर थर्मल प्लांट्स और फार्मर्स इससे आपने देखा जो दिल्ली में ये धुआं छा जाता है क्लीनर इन्वायरमेंट उसका भी इलाज होगा रिसर्चर्स फ्रॉम पुणे ये एग्री वेस्ट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंदौर में जो है सर जो डीजल बन रहा है प्लास्टिक वेस्ट एंड सीएनजी आउट ऑफ लिक्विड वेस्ट बन रहा है तो एनर्जी रिन्यूअल पर हमें नई चीज़ों पे ध्यान देना होगा डिफेंस के बारे में ये बहुत अच्छा डिफेंस मैनुफैक्चरिंग का उन्होंने कहा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स फोर्टी करोड़ पर मेरा मानना ये है कि हमारी जो ऑफसेट पॉलिसी थी कि भाई जो हमें डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है हम उस पर ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि इसका 30-40 परसेंट आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो या एक्सपोर्ट करो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई उस पर ध्यान देना हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इतने हैं कानपुर से लेके इधर उनको वो इक्विपमेंट बनाने चाहिए जो हम इम्पोर्ट करें बुलेट प्रूफ जैकेट है आर्मर्ड वहीकल है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनी पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो है पुश करने की जरूरत है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और जैसे ये पंजाब हरियाणा ये जो सूबे हैं हमारे इसमें ड्राई पोर्ट्स और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं बनेगा तो ये लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे लास्ट सोल ऑफ इंडिया लाइज इन विलेजेस सर हं, सर हंड्रेड स्मार्ट सर, मैं लास्ट कर रहा हूँ हंड्रेड स्मार्ट सिटीज पेपर पे हैं एक्चुअल वो बने नहीं हैं और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा सर महात्मा गांधी जी ने कहा रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान लेट अस इंश्योर सोशल फाइबर ऑफ सेकुलरिज्मिटी एक्ट नथिंग विल बिल्कुल